ये हमारा सर्च लाइट है, 20 वाट की है। इसमें दिक्कत है कि ये चल नहीं रहा है, तो इसको चेक करेंगे। सीरीज में पहले चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। ये जो 21 DC मतलब उस टाइम का मतलब लाइट है 20 वाट की, पहले इसको चेक करेंगे सीरीज में। हमें कोई भी उपकरण पहले इसको सीरीज में चेक करना चाहिए, ठीक है। अब पहले सीरीज में चेक करता हूँ, हमारी सीरीज लाइन है यहाँ से सीरीज में। मैं देखते हैं, देखे ऑन करते हैं। मतलब ये हमारा आधा चल रहा है, ये लाइट पूरी नहीं जल पा रहा है। ये जो आधा जल रहा है, हो सकता है कि इसका जो LED जो स्ट्रिप इसमें ये ख़राब हो सकता है ना। ये हमारा आधा सही जल रहा है, जो एक्चुअली ये हमारा स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप ऐसे होता है। जैसे यहाँ हमारा 72 वोल्ट का ये हो गया नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। जो LED हमारा है, LED से लगा रखा है ये, जो हमारा LED लगा रखा है ये, एक पॉजिटिव लाइन गया है, एक नेगेटिव लाइन गया है। इसमें क्या है, ये हमारा पहले वाला जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया, ये LED का नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही मतलब सीरीज में ये 24, ये 24 मतलब सीरीज का एक सीरीज बना हुआ है। 24 सीरीज बाद में ये नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। ये यहाँ से हमारा नेगेटिव दे दिए, यहाँ पॉजिटिव दे दिए, मतलब 24 का एक सीरीज बन गया ये। फिर ये आगे जाता है सेम टू सेम, यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, ऊपर पॉजिटिव स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा, फिर इधर साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। ऐसे सीरीज में ये फिर 24 का एक सीरीज दूसरी सीरीज बनेगा। लास्ट में फिर क्या मिल जाएगा, माइनस नेगेटिव मिल गया। ये लाइन ऐसे चलता रहेगा, ये हो गया 1 2 3 4, मतलब 4 स्पेयर में से ये बना गया है ये। फिर ये फिर इधर से शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव में शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही, मतलब 24 का सीरीज फिर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये 24 का सीरीज ये दूसरा एक बनेगा, यहाँ से पहले पॉजिटिव आ जाएगा, फिर LED का दूसरा हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा, फिर LED का पॉजिटिव हिस्सा इधर बन जाएगा। ये फिर 24 का एक सीरीज बन जाएगा, मतलब 4 पेयर 24 × 4 हमारा इतनी बन जाएगा। हमारा 96 का टोटल LED हो गया, ये टोटल LED हो गया। यहाँ 72 वोल्ट आता है ये ड्राइव से। अब इसमें चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है, कि मतलब जैसे हमारा ये बीच वाला हिस्सा चल रहा था, ये बीच वाला हिस्सा चल रहा था क्यों, इसमें ये पूरी स्पेयर से ही होगा ना। ये यहाँ पे हमें ये पैरेलल में ये कनेक्शन दे रहे हैं, एक सीरीज को पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में मिल जा रहा है, यहाँ से मिल जा रहा है, पूरे लास्ट में नेगेटिव मिल जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव मिल जा रहा है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक गया है। तो हमारा 3 नंबर चल रहा है, ये 4 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, इसमें कोई LED खराब होगा, नहीं कुछ दिक्कत हो सकता है, नहीं तो ड्राई शोल्ड हो सकता है, कुछ हो सकते हैं। इसको चेक करते हैं खोल के, इसको अभी खोलते हैं इसको। ये ऊपर वाला जो इसका ढक्कन खोल देते हैं। अब इसको सीरीज का एक बार सप्लाई देकर हमें वोल्टेज चेक करते हैं, कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। DC पे रखा है, ये हमारा हो गया नेगेटिव साइड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड। अब सही है, वोल्टेज सही आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारा जो लाइन है ये लग रहा है यहाँ पे जला हुआ है, LED खराब लग रहा है, ये जो 16 नंबर LED खराब है लग रहा है। और भी चेक करते हैं, ये हमारा जो ये कितना 24 तक ये हो गया, एक सीरीज हो गया ये 25 से लेकर
48 ये की सीरीज हो गया, और उसके बाद में ये 49 से लेकर 39 लेकर 72 तक एक सीरीज हो गया, वो उधर तक की सीरीज हो गया, हमारा चार लाइन मतलब सीरीज हो गया। ये हम इसको चेक करते हैं, ये भरा तो हमारा जहाँ पे एलईडी ख़राब है उसके बाद चेक करते हैं। तार टुकड़ा लेके तार का टुकड़ा लेकर देखते हैं कि हमारा ये जो एलईडी ख़राब लग रहा है ये अत्यधिक ख़राब है कि नहीं, क्योंकि ये सीरीज में है, हम इसको शॉर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए दोस्त ये एलईडी ख़राब है हमारा, ये हमारा एलईडी चेंज करना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा कैसे चेंज होता है, ये एसएमडी एलईडी कैसे चेंज होता है मैं दिखा दूंगा। और ये वाला भी ख़राब लग रहा था, इसको तो चेक कर लेंगे। हाँ ये भी ख़राब है, ये वाला ये ख़राब भी है। उसके बाद में और एक एलईडी था जो हमारा यहाँ भी देख रहा था ख़राब क्या लग रहा था, बस देखिए इस ये वाला एलईडी ख़राब लग रहा है, क्यों ना यहाँ से इसको हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये चल रहा है। ठीक है दोस्त, हम इसको भी चेंज करना सीखते हैं, एसएमडी एलईडी कैसे चेंज होता है। सबसे पहले तो सप्लाई बंद करते हैं सीरीज वाला, देते हैं इसको। ठीक है दोस्त, फिर ये एलईडी को निकाल देते हैं। बस हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, क्या करना है, पीछे से हमको हीट करना पड़ता है, पीछे हमें हीट कर देते हैं इसको। देखिए दोस्त ये आराम से निकल जाता है, ये आराम से निकल जाएगा। फिर ये हमारा 16 नंबर ख़राब था, हम 16 नंबर निकाल दिए। हमारा पास और एक है 48 भी ख़राब था, 48 को भी ऐसे पीछे से हमें इसको रखेंगे, हीट होने के बाद ये शोल्डर हीट हो जाएगा, फिर इसको निकल जाएगा, इसको निकल जाते हैं। देखो निकल गया सर, इसको फिर निकाल देते हैं। फिर हमारा कितना नंबर ख़राब था, ये 75 का नंबर वो भी ख़राब था। सेवेंटी फाइव का भी हमें निकाल दिए। तीनों लगा के एक बार चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। पहले से पड़ा हुआ था ख़राब वाला, मतलब उसका ड्राइव ख़राब था, उसके बाद में ये ख़राब था वो स्ट्रिप, उसमें कहीं सारी ज़्यादातर का लाइट ख़राब था, इसको हमें निकाल के उसमें लगाते हैं। तो देखिए इसे इसको हीट करना है, दोस्त ये आराम से निकल गया, एक हो गया हमारा एक, दूसरा भी सेम से निकाल लेते हैं। तीसरा में से निकाल दिया, अब इसमें इंस्टॉल करते हैं जो हमारा लिए। ये जो बॉडी वाली हिस्सा है दिखाई दे रहा है, ये जो बॉडी वाली हिस्सा है हमारा नेगेटिव है, ये छोटी वाली है और पॉजिटिव, वो भी ध्यान रखना है। 77 में एलईडी में क्या होता है, पीछे वाला एलईडी का जो एसएमडी एलईडी होता है, जो एसएमडी एलईडी होता है, इस साइड देखो दोस्तों, इस साइड बॉडी है, इस साइड छोटी है, इस साइड नेगेटिव हो गया, इस साइड पॉजिटिव हो गया, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। अब क्या करना है, इसको हीट करना है, हीट करके ये भी ध्यान रखना है, हमारा जो बड़ी वाली साइड नेगेटिव है, नेगेटिव साइड इसको रखना है।
देखिए दोस्त, ये आराम से हमारा सोल्ड हो गया, पहला नंबर हमारा हो गया। उसके बाद में कितना नंबर था, 48 48। वैसे भी पीछे से अभी हिट कर देते हैं, और जो नेगेटिव प्लेट पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 48 का भी हो गया हमारा सही से, और वो ड्राई शोल्ड भी रहना नहीं चाहिए, ड्राई शोल्ड रहेगा तो फिर जलेगा नहीं। 75 भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी सही हो गया, रेन ड्राइव भी लगा दिए। अभी क्या करते हैं दोस्त, हमारा जो तीन लाइट खराब था, तीन लाइट हम तो लगा दिए, अभी चेक करते हैं इसमें लगा के। ठीक है दोस्त, अभी दोस्तों इसमें इसके साथ लगाते हैं, लगा दिए इसको, लगा दिए। अभी क्या प्रोजेक्ट इसका जो हमारा ड्राइव का जो सप्लाई, इसमें भी जोड़ देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इधर सॉरी ग्रांड नेगेटिव हो गया। ठीक है बस, अब क्या है इसको सीरीज सप्लाई देते हैं। अभी दोस्त इस बीच वाला में दिक्कत है, अभी हमारा ये सारी रेट तो सही हो गया, ये बीच वाला में दिक्कत है। बीच वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है, कम लगा कहीं से दिक्कत है, तो चेक करते हैं दोस्त ऐसे ही सीरीज में शॉर्ट करके इसको। दोस्त देखो, ये एलईडी हमारा ख़राब है, ये वाला, ये 51 वाला ये ख़राब है, इसलिए ये जल नहीं रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 51 वाला डिस्कनेक्ट करते हैं, यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से ड्राइव होल्डिंग हटा देते हैं। दोस्तों ये पता भी नहीं चल रहा है कि खराब है, ये यूज हो गया, ये आपस में डिस्कनेक्ट है, हटा दिए। और जो ये हमारा खराब वाला स्ट्रिप था, इसमें एक निकाल देते हैं। निकल गया दोस्त, लगा देते हैं इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है, पिछला वाला तो बड़ी वाली सारी नेगेटिव है, इधर वाला भी नेगेटिव है, इसको ऊपर ऐसे रखना है। सॉरी, नेगेटिव है, सॉरी। देखिए दोस्त, ये हमारा ड्राई शोल्ड सही से हो गया, होल्डिंग सही से हो गया। अब इसको चेक करवाते हैं, पहले भाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद में फिटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्त, ये हमारा पूरा स्ट्रिप पूरी रिपेयरिंग हो गया, बढ़िया से रिपेयरिंग हो गया। देखिए दोस्त, ये हमारा चार लाइट खराब था, बट SMD LED चार SMD LED खराब था, जो लगा दिए वो बढ़िया से वर्क कर रहा है। अब इसको बंद करके पहले फिटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा फिटिंग हो गया, बस सप्लाई देख के देखते हैं। देखिए दोस्त कितना आराम से बढ़िया से वर्क कर रहा है। ज़्यादातर क्या करते हैं दोस्त, जैसे कोई मतलब हमारा ख़राब होता है तो ज़्यादातर भाई मान भाई लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ये एलईडी का जो पॉइंट है, एलईडी का जो पॉइंट है, इसको क्या करते हैं इसे सोल्ड कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, इसे शॉर्ट करते हैं। इसमें क्या दिक्कत होता है, जो हमारा सीरीज में इसमें मतलब उसमें क्या होगा, फिर दूसरा को ख़राब करेगा, वो वोल्टेज ज़्यादा होता है तो फिर दूसरा को ख़राब करेगा। इसीलिए ज़्यादातर SMD LED मतलब ज़्यादातर मार्केट में मिल जाता है, वो लेकर के लगा भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।